क्लास में हम पार्ट 9 विराम चिन्ह पढ़ेंगे, जिन्हें पंक्चुएशन मार्क्स कहा जाता है। आपने पंक्चुएशन मार्क्स इंग्लिश में भी पढ़े हैं, उसी तरह से हिंदी में भी होते हैं। हिंदी में क्या कहा जाता है, आइए देखते हैं। विराम चिन्ह, हमारे पार्ट का नाम है विराम चिन्ह। अब ये कई प्रकार के, आप देख सकते हैं पूर्ण विराम, पूर्ण विराम एक सेंटेंस को पूरा जब खत्म हो जाता है तो ये बताने के लिए कि हमारा सेंटेंस जो वाक्य है पूरा हो गया है तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को जब कंप्लीट कर देते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप क्या शो करता है कि आपका सेंटेंस पूर्णतः खत्म हो चुका है। ऐसे ही हिंदी में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम हमें ये शो करता है, ये दर्शाता है कि हमारा वाक्य पूरा हो चुका है। अब देखिए दूसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह भी आप सभी जानते हैं कि जब हमारे द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है तो जब हम ऐसे बात करते हैं तब तो हमें समझ में आता है कि हाँ व्यक्ति क्या पूछ रहा है, उसके टोन से हमें समझ में आ जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अगर जब हम इसी भाषा का लिखने के लिए प्रयोग करेंगे तो हमें इन चिन्हों का प्रयोग करके दर्शाना पड़ता है या इन चिन्हों के द्वारा ही हम ये चीज़ बता सकते हैं कि प्रश्न का भाव या जो वाक्य लिखा है उसका भाव कैसा है। अब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक अगर कोई वाक्य लिखा है तो उसके बाद में प्रश्न लगा है तभी, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तभी हमें ये पता चलता है कि यह प्रश्न है। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है उसके बाद में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है, इसे इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क भी कहा जाता है। अब देखिए अल्पविराम, जब कभी हमें थोड़ी देर के लिए कहीं पर रुकना होता है, जैसे कि एक दो नाम बार बार लिए जा रहे हैं, जैसे मोहित है, मोहित के बाद में जस्ट रोहित का नाम आ गया तो मोहित रोहित साथ में नहीं लिखे, मोहित रोहित विद्यालय जाते हैं, तो ये मोहित के बाद में हम थोड़ी देर के लिए रुके तो हम क्या लगाएंगे, अल्पविराम। इंग्लिश में हम उसको कॉमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्पविराम। इस तरह से हम ये अल्पविराम लगा के थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। उसके बाद में आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह के लिए जब दो शब्दों को जोड़ने का प्रयास, दो शब्दों को जब जोड़ा जाता है ना, दो शब्दों को दो वाक्यों को जब जोड़ा जाता है तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये देखिए इसका सिंबल है डैश, जिसको हम कहते हैं, जैसे साथ साथ, अगर हमने लिखा साथ और साथ, ये दो शब्द आए, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया। ठीक है, ये क्या कहलाता है, योजक चिन्ह। क्या होता है ये, योजक चिन्ह। आया आपको समझ में, जैसा कि इसको हाइफन भी बोला जाता है, डैश हम जनरली बोलते हैं, हाइफन डैश, कॉलन डैश बोला जाता है, HYPHEN हाइफन, इसको बोला जाता है योजक चिन्ह को। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि दो शब्द अगर बार बार एक साथ में आ रहे हैं तो उसके बीच में हम क्या लगा देते हैं, ये लगाते हैं, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या लगाते हैं, योजक चिन्ह। अब देखते हैं निर्देशक चिन्ह क्या होता है। संवाद में अगर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो उस व्यक्ति के नाम के बाद में हम निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, निर्देशक चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक इस तरह से होता है और एक ये इस तरह से होता है। जब संवाद होती है, हम पाठ में संवाद जो देखते हैं, बातचीत होती है, उसमें अगर किसी का नाम आया है, जैसे अगर किसी का नाम आया, हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं लिखा राम। अब राम ने जो बात कही है, राम ने जो बातें कही है उसके आगे ये निर्देशक चिन्ह लगे। ठीक है, या फिर हम इसको एक ऐसे डैश लगा के भी बता सकते हैं कि राम के द्वारा क्या बात पाठ में कही जा रही है, वो क्या संवाद कह रहा है, इसका इन सब चीज़ों को दर्शाने के लिए हम निर्देशक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं, नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं, जब हम किसी वाक्य में या किसी के द्वारा कहा गया वाक्य लिखते हैं तो हम इस प्रकार से, आपने देखा होगा, इस प्रकार से चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ये कहलाते हैं उद्धरण चिन्ह। क्या कहलाते हैं ये, उद्धरण चिन्ह। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा है तुम मुझे खुद दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो उनके द्वारा जो कथन कहा गया है उसको हम ऐसे इनवर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ये कैसे होते हैं, ये देखिए
इनको बनाने का एक तरीका होता है। आप देख सकते हैं ये ऐसे तो यहाँ से दिखता है 66 और इधर साइड वाला होता है 99। हम जनरली बच्चे क्या करते हैं ऐसे 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 ऐसे, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। इसको बनाने का तरीका होता है एक साइड से तो ये दिखता है 66 और दूसरी साइड से दिखता है ये 99। ऐसे ही अगर किसी वाक्य में किसी का नाम लिया जा रहा है तो उस नाम को हम अलग से दर्शाना चाहते हैं, नाम को हम शो करते हैं तो उसको हम लिखते हैं कोमा। ठीक है, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं ना, एक तो इस तरह से होता है जैसे अगर यहाँ पे लिखा है हमने समीर, जैसे मैंने लिखा है समीर, अब समीर को हमको अगर हाईलाइट करना है अलग से बताना है कि समीर ने क्या किया है या समीर क्या है, तो हम उसके लिए ऐसा ही उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करें, वो सिंगल होगा। ऐसे ही 66 और 9 होता है, सिंगल 6 और 9 होता है, तो इसके लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब अगला है आखिरी विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह जिस किसी वाक्य को पढ़कर हम आश्चर्यचकित होते हैं, है ना, हमारे मन में शोक का, घृणा का, दया का, इस तरह से अगर कोई भाव आता है तो हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी साइन भी कहा जाता है, जैसे अरे वह गिर गया, हम बोल के तो हमारे भाव प्रकट कर देते हैं लेकिन लिखेंगे कैसे, तो इन सभी सेंटेंस को जब लिखते हैं हम हमारे भाव को दर्शाना चाहते हैं तो इन सभी चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे अरे वो आ गया, है ना, देखो मेरा घर कितना सुंदर है, इस तरह से हम जब हमारे भाव को प्रकट करते हैं, जब हमारे भाव जैसे हम आश्चर्यचकित होते हैं, हमारे मन में आश्चर्य का भाव आता है, तब हम इस एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग करते हैं जिसको कि हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। विस्मय का भाव आता है हमारे मन में तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हम बुक में आपको जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं उन्हें हम पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, तब आपको इससे रिलेटेड जो उदाहरण दिए गए हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपनी बुक का पेज नंबर 82 पर तो हमने ये पढ़े हैं, 83 ऊपर करना है, ओके। कि मैंने अभी आप लोगों को विराम चिन्ह एक्सप्लेन किए हैं, है ना, विराम चिन्ह को क्या बोलते हैं, जैसे पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और उनके सिंबल क्या होते हैं, उनको लिखते कैसे हैं, वो मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे। लेकिन अब आपको क्या करना है, जो हमारा पार्ट 9 है विराम चिन्ह, इसमें सारे डिटेल में दिए हैं, अभी तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किए लेकिन आपको ये पढ़ना भी है, ठीक है। जैसे कि इसके जो डेफिनेशन है हम देख लेते हैं, भाषा के लिखित रूप में ठहराव या अनेक भावों को व्यक्त करने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि हम मैंने अभी भी बताया था आपको कि जब हम लिखते हैं तो हमारे भावों को व्यक्त कैसे करना है, इसके लिए ही विराम चिन्हों का प्रयोग है। बोलते समय तो हम हमारे हिसाब से रुक जाते हैं या हमारी जो टोन होती है बोलने की उससे हम शो कर देते हैं कि हमारा भाव क्या है बोलने का, लेकिन लिखने के लिए हमको हमारे भावों को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। तो आप परिभाषा को अच्छे से पढ़िएगा और जो जितने भी विराम चिन्ह यहाँ पर दिए गए हैं इनके बारे में सब डिटेल में दी गई है, है ना, डिटेल दी गई है और साथ में एक एक उदाहरण भी दिया है, ठीक है। जैसे मतलब उदाहरण है ना, एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, उनके साथ में आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको जितने भी विराम चिन्हों का हमने प्रयोग किया है अच्छे से और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बहुत इजी है, एक एक दो दो करके आप आराम से पढ़िएगा, है ना, ताकि आपको ये सारे मतलब जो भी विराम चिन्ह हैं इनमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब आपकी बारी, जैसा कि लिखा है अब आपकी बारी, मतलब आपको इसमें होमवर्क करना है। सारे विराम चिन्हों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, आपको विराम चिन्हों को अब समझ में मतलब आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जैसा कि एक करके दिया है प्रश्नवाचक, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। ऐसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा होता है ये आपको इस बॉक्स में लिखना है, चिन्ह बनाना है, है ना। ऐसे सभी के सामने उनके नाम दिए हैं, बॉक्स खाली है, उनके सामने उनके जो चिन्ह है वो आपको लगाना है। नंबर 2, इस अनुच्छेद में सही विराम चिन्ह लगाइए। अब आपको ये पढ़ना है और इसमें कहाँ पे कौन सी बात दी गई है ये भी आप ही को करना है। अगर समझ में नहीं आता है तो मैं इसका पिक सेंड कर दूँगी, एक बार आप अपने हिसाब से करके देखिएगा, फिर भी मैं पिक सेंड करूँगी, ठीक है, उसकी हेल्प से आप लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेगा।
ठीक है। अब थर्ड वाला है, दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर दो दो वाक्य बनाइए। ये भी मैंने अभी तो कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है। आप सेम कॉपी नहीं करेंगे, आप लोगों को पहले अपने खुद से करके देखना है। नहीं आता है तो मैं आपको पिक सेंड करूँगी, उसकी हेल्प से आप करेंगे। लेकिन पहला प्रयास क्या करेंगे आप कि अपने हिसाब से इनको करके देखेंगे, ठीक है। फोर्थ वाली एक्सरसाइज देखेंगे, इन वाक्यों में लगे विराम चिन्ह सही नहीं हैं, इन्हें सही करके वाक्य दोबारा लिखें। अब देखिए, आप कहाँ रहते हैं लिखा है, इसके बाद में कौन सा चिन्ह लगा दिया है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन प्रश्न को, वाक्य को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, तो इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आना चाहिए, आप कहाँ रहते हैं के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। इसी तरह से मैं पश्चिम बिहार में रहता हूँ, अब इसके पीछे उन्होंने क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। लेकिन क्या है, वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं पश्चिम बिहार में रहता हूँ, तो क्या आना चाहिए, पूर्ण विराम आना चाहिए। अगला देखेंगे, देखो मेरा घर कितना सुंदर है, यहाँ तो सही चिन्ह यूज़ किया है ना, सही चिन्ह का प्रयोग किया, लेकिन देखो मेरा घर कितना सुंदर है, एक आश्चर्य का भाव आ रहा है, तो कौन सा चिन्ह लगेगा, इसमें आदिबोधक चिन्ह लगेगा। श्वेता आप कब लौटेंगी, तो क्या हो जाएगा, श्वेता आप कब लौटेंगी के बाद में क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, श्वेता आप कब लौटेंगी। तो भाव समझ में आ रहा है ना कि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने जो भी एक्सरसाइजेस अभी छोड़ी है आप लोगों के लिए, आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं समझ में आता है तो मैं ग्रुप में पिक सेंड करूँगी, उसकी मदद से कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।